दोस्तों आधार कार्ड, दोस्तों आधार कार्ड किसके पास नहीं है। हम भारत में जितने भी लोग रहते हैं उन सभी के पास आधार कार्ड होता है। आपको तो मालूम है कि आधार कार्ड किस काम आता है, वो हमारे आइडेंटिफिकेशन के तौर पर काम करती है। आधार सा कुछ इस साइज, उसका साइज कुछ इस प्रकार का होता है, उसमें हमारा नाम होता है, फोटो होता है, एड्रेस होता है, आधार 12 डिजिट का कोड होता है जिससे हमारी पहचान होती है। और इसके बिना हमारा काम जो है बहुत सारा रुक जाएगा, और आधार कार्ड ना हो तो हम बहुत सारे काम जो है नहीं कर पाएंगे। दोस्तों इसके अलावा एक आधार PVC कार्ड होता है। दोस्तों शायद अगर आपको मालूम है या फिर ना मालूम हो तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आधार PVC कार्ड क्या है। दोस्तों भारत में ऐसे भी लोग हैं जो इनको भी नहीं मालूम होता है कि PVC आधार कार्ड भी कुछ नाम का है। तो दोस्तों मैं आज की इस वीडियो में यही बात करने वाला हूं कि आधार कार्ड और PVC आधार कार्ड में अंतर क्या है, इन दोनों में हमें कुछ अलग देखने को क्या मिलता है। दोस्तों अगर आप जानना चाहते हैं तो आप हमारे वीडियो में अंत तक बने रहे। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जाए जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस करना न भूलें। दोस्तों अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को एक लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं आधार कार्ड। दोस्तों इसके बारे में हमको कुछ ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, आपको तो बहुत पहले से ही मालूम होगा। दोस्तों भारत में जितने भी लोग होते हैं 90% लोगों का जो है आधार कार्ड होगा। दोस्तों आधार कार्ड का कुछ साइज इस प्रकार होता है जो कि हमारे आइडेंटिफिकेशन के तौर पर हमें काम करता है। यह बताता है कि हाँ, आप भारत के सदस्य हैं और भारत के नागरिक हैं। दोस्तों उसमें क्या होता है, हमारा नाम होता है, हमारा एड्रेस होता है, हमारे पिता का नाम होता है, हमारी फोटो होती है और 12 डिजिट का जो है कोड होता है जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। उसके बिना हमारा जो काम है बहुत ही रुक जाता है, वो ना हो तो हमारा काम बहुत नहीं हो पाएगा। दोस्तों अगर इसके फायदे की बात कीजिए तो मान लीजिए दोस्तों अगर ऑनलाइन कोई फॉर्म फिल कर रहे हैं या फिर किसी कॉलेज या स्कूल में जाकर अपना एडमिशन करा रहे हैं या फिर ऑनलाइन टिकट बुकिंग कर रहे हैं, मतलब जहां भी आप कुछ अपना काम करना चाहते हैं तो वहां पर आपकी पहचान के लिए आईडी कार्ड के तौर पर यानी कि आपका आधार कार्ड बहुत ही ज्यादा कंपल्सरी होता है। अगर आधार कार्ड ना हो तो आपका जो है प्रोसेस आगे नहीं बढ़ सकता। तो दोस्तों साफ तौर पर कह सकते हैं कि आधार कार्ड हमारे जीवन लाइफ में बहुत ही ज्यादा जरूरत के हिसाब से बहुत ज्यादा जरूरी और परमानेंट के लिए जरूरी है, इसके बिना हमारा काम जो है नहीं हो पाएगा। तो दोस्तों ये रही कुछ बातें आपके आधार कार्ड के तौर पर। अगर इसके कुछ हानि की बात की जाए तो दोस्तों जो हमारा आधार कार्ड होता है वो कुछ कागज के टाइप का होता है और उसके ऊपर से प्लास्टिक होता है। दोस्तों क्या होता है, धीरे धीरे उसके फटने का भी डर रहता है, जो आगे चलकर धीरे जैसे ही समय जाता है उसके हिसाब से हमारा जो आधार कार्ड है फट भी जाता है। दोस्तों अगर उस पर जो प्रिंटेड होता है, जो जिसमें हमारा नाम होता है, आधार नंबर होता है और एड्रेस होता है, वो भी धीरे धीरे जाकर जो है मिट जाता है। तो ये कुछ उसकी हानियां हैं। तो दोस्तों इन सबसे अलग क्या हमें देखने को मिलता है PVC आधार कार्ड में, तो चलिए मैं हम आगे बताते हैं कि PVC आधार कार्ड क्या है और इसे कुछ आधार कार्ड से अलग कैसे है। तो दोस्तों अब बात करते हैं PVC आधार कार्ड के बारे में। दोस्तों PVC आधार कार्ड लगभग 90% आधार कार्ड की तरह देखने को मिलता है, मगर दोस्तों आप सोच रहे होंगे इन दोनों में अंतर क्या है। दोस्तों जो आधार कार्ड का काम होता है वो भी PVC आधार कार्ड का काम होता है। दोस्तों जो आधार कार्ड में अपने को देखने को मिलता है जो कि कागज की तरह होता है, ऊपर से प्लास्टिक होता है, और जो उस पर प्रिंटेड होता है नाम, एड्रेस और आधार नंबर होता है, वो धीरे धीरे मिट जाता है। इन सब परेशानियां हमें PVC आधार कार्ड में देखने को कतई नहीं मिलती है। दोस्तों जो उसका प्रिंटेड होता है वो माइक्रो टेस्ट का प्रिंटेड होता है जो कि आपको मिटने का भय रहता ही नहीं है। दोस्तों वो 2-3-4 साल तक आपका आराम से चला जाएगा। अगर इसके देखने के बारे में बात की जाए तो दोस्तों जैसा हमें पैन कार्ड हमें देखने को मिलता है उसी तरह हमारा PVC आधार कार्ड भी होता है जो कि बहुत ही आकर्षक हमें देखने को मिलता है। दोस्तों अगर इसके फोटो की बात की जाए तो दोस्तों जो फोटो आधार कार्ड पर हमें साफ सुथरा नहीं देखने को मिलता है वो हमें यहाँ पर देखने को मिलता है जो कि घोस्ट इमेज के तौर पर PVC आधार कार्ड में हमें देखने को मिलता है। दोस्तों जो आधार कार्ड पर दोस्तों साफ सुथरा फोटो नहीं आता है, मगर इसमें घोस्ट इमेज में जो PVC आधार कार्ड में उसमें हमारा फोटो जो है साफ सुथरा में देखने को मिलता है। तो दोस्तों ये रही कुछ अंतर। दोस्तों जैसा कि जो आधार कार्ड हमें फट जाता है, मिट जाता है, वो हमें भय बना रहता है। दोस्तों वो हमें यहाँ पर साफ सुथरा देखने को नहीं मिलता है, वो यहाँ पर कहीं भी आप ले जा सकते हैं, आपको ना मिटने का डर ना फटने का डर कुछ भी हमें यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है, जो कि पूरी तरह हमें पैन कार्ड की तरह देखने को मिलता है जैसा कि आप स्क्रीन पर भी देख भी सकते हैं। तो दोस्तों आप जो मैंने जितने भी अंतर आधार कार्ड और PVC आधार कार्ड के अंतर में बताया है दोस्तों हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे कि इन दोनों में सबसे ज्यादा अंतर आपको कौन सा लगा है। दोस्तों अगर आप ये भी जानना चाहते हैं कि आधार PVC कार्ड हम अप्लाई कैसे कर सकते हैं या कैसे पा सकते हैं तो दोस्तों मैं इस पर भी वीडियो आपको आगे जरूर बनाऊंगा और आप जिससे आप अपना जो है आधार PVC कार्ड अप्लाई कर आप खुद उसे पा सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए वीडियो में बस इतना है। दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको वीडियो बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा होगा। दोस्तों अगर आपको कुछ भी अच्छा लगा तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगी आपको कौन सा टॉपिक, कौन सा कंटेंट आपको अच्छा लगा जो मैंने बातें बताई इन दोनों में अंतर। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको वीडियो बहुत ही ज्यादा पसंद आएगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जाए जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करना न भूले। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, हर हर महादेव।